नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। 10 नवंबर की रात चुनाव की सरगर्मी थी। रात को 1:30 बजे थे, कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। तभी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात 2 डीएसपी सड़क किनारे ठंड से ठिठुर रहे और कचड़े में खाना ढूंढ रहे भिखारी को देखते हैं। फटे हुए कपड़े, धूल से सने हुए बाल, सूखे हुए होंठ, भूख से तड़पता हुआ, ठंड में ठिठुरता हुआ, एक एक दाने को तरसता हुआ एक भिखारी, जिसने अब दिन गिनने भी छोड़ दिए थे। उसे तो अब मौत का इंतजार भी नहीं रहा। लेकिन जब इसकी असलियत सामने आई तो सब चौंक गए, क्योंकि जो सच दुनिया अभी तक देख रही थी वो सब झूठ और फरेब था। जिसको लोग भिखारी समझकर दुत्कार देते थे, वो एक अधिकारी निकला, एक पुलिस अधिकारी, जिसके शरीर पर कभी खाकी वर्दी खूब फपती थी। वो फटेहाल आज सड़कों पर भीख मांग रहा था। जिसके कांधे पर कभी सितारे सस्ते थे, उसके सितारे आज गर्दिश में धूमिल हो गए। ऐसी हालत देखकर दोनों पुलिस अधिकारियों को भी दया आ गई। एक ने जूते दिए और एक ने अपनी जैकेट। जैसे ही जैकेट देकर दोनों मुड़े और चलने के लिए तैयार हुए, तभी उस भिखारी ने पीछे से आवाज मारी। भिखारी के मुंह से अपना नाम सुनकर पुलिस अधिकारी चौंक गए। उनके कानों में जब अपना नाम पड़ा तो उनके होश उड़ गए और मन में सवाल आया कि भिखारी हमें कैसे जानता है। पलट कर दोनों ने उस भिखारी को देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वो भिखारी कभी पुलिस अधिकारी था। भिखारी उनके साथ के बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा निकला, जो बीते 10 सालों से ऐसे ही फटे हाल घूम रहा था। इतना ही नहीं, मनीष मिश्रा एक अचूक निशानेबाज भी था और एक अच्छा एथलीट भी। सोचिए, अर्जुन की तरह निशाना भेदने वाला एक वीर 10 सालों से वनवास काट रहा था। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि मनीष ने 1999 में पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। मध्य प्रदेश के कई थानों में वो थानेदार के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला। 2005 में आखिरी बार भी वो दतिया में थाना प्रभारी थे। पर धीरे धीरे उनकी मानसिक हालात खराब होती चली गई। इतनी खराब हो गई कि घर वाले भी परेशान हो गए। इलाज के लिए कभी इस शहर तो कभी उस शहर लिए भटकते रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मनीष परेशान होकर घर से निकल गया, परिवार वालों से कहीं दूर। घर वालों ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिला ही नहीं। पत्नी भी छोड़कर चली गई। किसी को कुछ नहीं पता था कि मनीष किस हालत में है और कहां है। अपने आप से जूझता मनीष अब भीख मांगने लगा, कचड़ों के डिब्बों में खाना तलाशने लगा। उसकी सुबह खोज से शुरू होती और रात भी उसी में खत्म होती। समय का खेल देखिए, वो मनीष जो कभी शार्प शूटर था, आज उसकी आंखें 2 वक्त की रोटी खोज रही थी। जो कभी रौब से चला करता था, वो आज झुककर चलने लगा। जिसे देखकर कभी लोग सम्मान करते थे, उसे आज दुनिया दुत्कार रही थी। भीख मांगते मांगते करीब 10 साल बीत गए। ऐसी हालत में जब दोनों पुलिसकर्मी मनीष से मिले तो उन्हें भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बीते 10 सालों से मनीष का कोई अता पता नहीं था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मनीष ऐसी हालत में उनसे मिलेगा। इतने दिनों बाद दोस्त मिला, वो भी फटे हाल। दोनों ने मनीष से बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने मनीष को साथ ले जाने की भी कोशिश की, पर मनीष नहीं माना। फिलहाल दोनों अधिकारियों ने मनीष को एक समाज सेवी संस्था भिजवा दिया है, जहां मनीष की देखभाल की गई। हैरत की बात ये कि डीएसपी के अनुसार मनीष के परिवार वाले भी पुलिस में हैं, भाई भी थानेदार है और पिता और चाचा एसएसपी के पद से रिटायर हो चुके हैं। यहां तक कि उनकी बहन भी किसी दूतावास में अच्छे पद पर कार्यरत है। तलाकशुदा पत्नी भी न्यायिक विभाग में पदस्थ है। खैर, दोनों दोस्तों ने अपनी जिम्मेदारी और दोस्ती निभाई और मनीष का इलाज शुरू करवा दिया। न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।